फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सच आपने देखा या समझा, क्योंकि आज 118 समेत पबजी ऐप को भी बैन कर दिया गया है इंडिया गवर्नमेंट द्वारा। जो पबजी बैन कर दिया गया, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि पबजी बैन हुआ है चाइनीज़ ऐप के साथ साथ, लेकिन पबजी तो चाइनीज़ ऐप है नहीं, लेकिन फिर भी इस ऐप को बंद कर दिया गया है, इस गेम को बंद कर दिया गया है। इस गेम के 33 मिलियन यूज़र इंडिया के थे, लेकिन फिर भी इस ऐप को चाइनीज़ ऐप के समेत, 118 ऐप के समेत बैन कर दिया गया है। और जबकि अभी तक अगर आप मान लें तो 100 मतलब लगभग 200 से भी ज़्यादा ऐप बैन हो चुके हैं। पिछले बार 156 शायद ऐप बैन हुए थे, अब 118 ऐप बैन हो चुके हैं, जिसमें पबजी भी शामिल है। तो इस ऐप को जो बैन करने का कारण था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ की भारत सरकार की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जो काम करती है, उन्होंने सेक्शन 69A लगाया है। इसमें 69A लगाया है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे देश के मतलब जो पुराने सभ्यता ये सब है, उनको मतलब किसी और चीज़ में एक्टिव रखा जा रहा है। जैसे कि पबजी सिर्फ अगर युवा लोग पबजी गेम खेल रहे हैं तो उसी में अभी लगे हुए हैं। तो यहाँ एक तरह से समझिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि सही होती है। अब ये पबजी गेम बैन होने से सही हुआ या फिर नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ख़ुद भी पबजी गेम खेलता हूँ, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं खेलता जो कि टाइम का थोड़ा ख़राबी करे। वैसे देखा जाए तो सही ही हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो यूट्यूबर थे पबजी स्ट्रीम करते थे, उन लोगों के लिए जैसे डायनेमो या फिर मॉटल वॉटल और जो भी हैं, जैसे मैं नहीं जानता उन लोगों के, ज़्यादा लोगों को भी, तो उन लोगों के लिए थोड़ा तो ख़राबी हुआ है, लेकिन आके देखते हैं होता क्या है। लेकिन हाँ, 118 ऐप समेत, चाइनीज़ ऐप समेत पबजी भी बैन हो चुका है।